इसलिए प्रधानमंत्री जी हम आपसे बहुत जानना चाहेंगे साफ साफ कि आप कार्रवाई करेंगे या देश के सामने अंतिम प्रमाण देंगे कि आप भ्रष्ट लोगों को बचाते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वुड यू टेक एक्शन इन द लाइट ऑफ ए कमिटी रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यू, और यू विल इंश्योर द फाइनल कंफर्मेशन ऑफ योर इमेज एज वन हु पेट्रोनाइजेज एंड शील्ड्स करप्शन? ये एक बड़े सवाल है। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही बोलना था। अब आपके कोई सवाल है तो अंग्रेजी भी मिल जाएगा, हिंदी एक घंटे के बाद वेबसाइट पर रहेगा। नहीं, अगर किसी कमेटी की, देखिए दो चीज समझिए, शुंगलू कमेटी ने रिपोर्ट यह कहा है कि जो ऊपरी स्तर पर लोग हैं उनके आपराधिक भूमिका की जांच होनी चाहिए। वो पुलिस कर सकती है, वो सीबीआई कर सकती है, तो सीबीआई को नाम देना चाहिए। सीबीआई इसमें, अगर मैं अपने कानून के अनुभव का दुरुपयोग करूं तो ये बहुत छोटा सा काम है। जो फंड सैंक्शन होता था उसमें कौन कौन लोग बैठते थे, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, ये सीधा हो सकता है। तो अगर आप ईमानदार हैं जाँच करने के बारे में तो जाँच करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर किसी कमेटी की रिपोर्ट को डस्टबिन में डालना है तो कमेटी पर एक कमेटी बनाइए, फिर एक सब कमेटी बनाइए, फिर एक सुपर कमेटी बनाइए, फिर स्पेशल कमेटी बनाइए, चलता रहेगा। देश इसकी अपेक्षा नहीं कर रहा। पिछले 3 सालों में जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री यूपीए 2 में बह रही है, उस गंगोत्री में पहला है कॉमनवेल्थ। इसलिए इस पर हमारी नजर रहेगी और देश के सामने इस विषय को हम एक्सपोज करेंगे, और प्रधानमंत्री जी अगर इसको बचाने की कोशिश करेंगे तो देश में इसको हम बहुत बड़ा विषय बनाएंगे। You see, the point is very clear and categorical. One relates to the award of Commonwealth Games to India. The other relates to gross corruption in the management of organization. The two are completely different. As far as that is concerned, that is also a matter of examination. We have no problem there. बल्कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने एक बात और कही है कि कोई EPF कंपनी है, उसका मॉरिशस कनेक्शन है, जिसको बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। अब मैंने जान के रिपोर्ट बहुत बड़ी है, 500 पेज की है, लेकिन एक बहुत रोचक बात दिखाई पड़ रही है कि हर करप्शन में मॉरिशस रूट जरूर है, चाहे वो 2G है या वो हसन अली है या वो कॉमनवेल्थ है। इन करप्शन मेनी ऑफ द डिसीजंस मिस्टर मल्होत्रा इज अपोज्ड, ही सेड पब्लिकली ही रिजाइन आल्सो, बट वी आर नॉट सिटिंग हियर टू डिफेंड एनीवन। वी आर नॉट सिटिंग हियर टू डिफेंड एनीवन। यस, एक जस्ट मिनट संकेत, आई विल कम टू दैट, फर्स्ट लेट मी डिस्पोज ऑफ कॉमनवेल्थ। मैंने आपसे एक बात कही, इसमें फंड एलोकेशन जो होता है, देखिए एक तो होता है नीतिगत एलोकेशन, एक होता है उसका डिस्बर्सल, ये सारी बातें। लेकिन ये मैटर जांच का विषय है। मैं शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर फिर पढ़ रहा हूँ कि ये जूनियर लेवल के लोगों का संभव नहीं है, जो ऊपर में बैठे हैं उन सबों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। ये शुंगलू कमेटी प्रधानमंत्री ने बनाई है, प्रधानमंत्री की रिपोर्ट, वो शुंगलू कमेटी ने रिपोर्ट दिया है, इस रिपोर्ट पर आपको आगे कार्रवाई करना है। आपको जानकारी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस विषय पर उन्होंने इस बात को कहा था कि काफ़ी फंड एलोकेशन पीएमओ के लेवल पर हुआ है। ये तो हम लोग चर्चा करते रहे। आज इसको दोबारा उठाने का अवसर इसलिए है कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने उसको कन्फर्म किया है। देखिए, हमने, हमारा अधिकृत स्टैंड रहा है जेपीसी पर, इसमें कोई शक नहीं है। हम उस डिमांड को हमेशा रखते रहेंगे। हो सकता है कहीं और रिपोर्ट आएगी तो हमारे उस मांग को और मदद मिलेगी, लेकिन एक जेपीसी को लेने में हमको कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी आपको मालूम है। अपनी लड़ाई हम लड़ेंगे।
Yes. Sir, can we have other issues? Yes, go ahead now, other issues. One important question, sir. Do you think that is the tax concession justified for the ICC? Indeed. And who's the real beneficiary according to the देखिए जहां तक मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आईसीसी का ये जो पूरा टैक्स का मामला है इसमें दो विषय हैं. एक तो उस मीटिंग में शरद पवार को नहीं बैठना चाहिए था जिस कैबिनेट ने किया. वो आईसीसी के अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल कमेटी के. पहली बात तो ये है उनको उससे अपने को दूर रखना चाहिए था. और दूसरा सवाल है भारत सरकार ने किस आधार पर ये रिलैक्सेशन दिया है ये देश को बताना चाहिए. अभी तक ये बताया नहीं गया है. तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास इतना संपत्ति है या बीसीसीआई के पास में है तो दोबारा कैश कंसेशन की टैक्स कंसेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी है देश को इसको बताना चाहिए. अब मैंने अपनी बात कह दी. आवर पोजिशन इज दैट इन द कंसिडरेशन ऑफ द टैक्स कंसेशन फॉर आईसीसी it would have been appropriate had Mr. Sharad Pawar not been a part of that decision making process in the cabinet because he heads the ICC. And the second part, the government of India needs to tell the nation as to what were the reasons which led to the award of tax concession to the ICC. Ha, Sukesh. मैंने पहले ही बताया उनको उस बैठक में नहीं लेना चाहिए था. मैं तो पहले ही बता चुका हूँ. मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणी वही की थी. हिमांशु यही सवाल है. इसको मैं पहले हिंदी में बोलता हूँ फिर अंग्रेजी में बोल देता हूँ. इस बारे में हमारा ये कहना ये है कि इस देश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है वो एक राष्ट्रीय खेल बना हुआ है. और देश के लोग क्रिकेट के बारे में न्यूज के माध्यम से भी जानते हैं चीजों. इसलिए हम अपेक्षा करेंगे कि आईसीसी उनकी अपनी कमर्शियल एग्रीमेंट कुछ भी होंगे लेकिन देश के लोगों को न्यूज चैनल्स और न्यूज के माध्यम से क्रिकेट के न्यूज से वंचित ना हो इस बात की व्यवस्था करें. ये हम जरूर अपेक्षा करेंगे. The cricket in India is not only a game simpliciter, it is almost a national passion. And the people of the country needs to know and want to know about cricket and cricketers and what they speak. It has immense news value. Therefore, regardless of any commercial agreement which the ICC may have, there is a case for review so that the people's right to know is not compromised. देखिए आईसीसी का अपना अलग कानून है, बीसीसीआई का अपना अलग है. और हमारे जो नेता वहां पर रहते हैं वो वहां पर नेता के रूप में नहीं रहते हैं, एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रहते हैं. जैसे कि मैं जब इसलिए लेकिन जो पार्टी की पोजीशन हमने आपको बता दी. Well, Mahatma Gandhi is not only an icon for the country, he is the Rashtrapita, the father of the nation. And a country, tradition-bound country like India expects due reverence and respect to him, his persona, and also to the sensitivity about Gandhiji. We also believe in freedom of press. Therefore, this is the larger milieu in which our stand is. If any state government takes a view strongly, it is entirely to take that view. That one state government can take that view. हमने जी मैंने आपको बता दिया कि जो मैंने बताया कि कोई राज्य सरकार अपना निर्णय कर रही है तो उनका अपना विवेक है. मैंने आपको पहले भी बताया लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उनका आदर होना चाहिए, महात्मा गांधी के प्रति संवेदना होनी चाहिए. ये हमने बार बार कही है. देखिए हमने पहले कहा कि कोई राज्य सरकार ऐसा करना चाहे तो राज्य सरकार का अपना विवेक है.
कोई कर सकती है कोई नहीं कर सकती है। और महात्मा गांधी अगर गुजरात में पैदा हुए, और गुजरात वैसे महात्मा गांधी को भारत की क्या पूरी दुनिया में सम्मान है, लेकिन गुजरात के लोगों का अगर एक्सेसिव सेंटीमेंट है तो इस विषय पर कोई हम इशू नहीं बनाना चाहते। आई थिंक दैट कमेंट ऑफ योर्स इज ग्रॉसली अनफेयर बिकॉज दिस वॉज सर्टनली द I am saying that in case of RSS involvement in Gandhiji's murder, the matter was investigated and the entire allegation was found to be false. Now the second part is concerned, if you want to know it, I know that Mahatma Gandhi is now an icon of the Pratah Smaran of many RSS Shakas. I know it for myself. And this is going for the last 30 years, 40 years. Yes. Controversial issue is NCP ke ek varishth neta ne ye dawa kiya hai ki Palwa ji ki jo aviation company hai unke jahaz ka istemal BJP ke adhyaksh ne bhi kiya hai, helicopter ka istemal kiya hai aur uski payment bhi ki gayi, matlab wo message ye dene ki koshish kar rahe hain ki Palwa ji ek company aviation company chalate the, unki services ka humne bhi istemal kiya, BJP ke rashtriya adhyaksh ne bhi ek baar helicopter liya tha, sabne payment kiya is pe itna bada। हमारे कोई नेता बलवा जी के साथ नहीं गए थे, बड़ा सवाल ये है। जस्ट अ मिनट मेनी क्लाइंट्स टेक मी बाय चार्टर प्लेन टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, आई डोंट नो विच प्लेन दे आर एंगेजिंग, दैट्स द पॉइंट। बड़ा सवाल ये है कि जिस समय शाहिद बलवा का नाम आया था, शरद पवार ने कहा था कि एक 70 प्लस आदमी की दोस्ती एक यंग आदमी से कैसे हो सकती है, याद है ना आपको? डोंट इग्नोर दोज कॉन्टेक्स्ट, there is a context to what the BJP leader in Maharashtra has stated. Now if any aviation company, hum elections mein bahut se helicopter lete hain, bahut se plane lete hain, urgently jaate hain, kabhi aap logo ko bhi le jaate hain kisi political program mein, to wo aviation company kis jahaz ko book karti hai ye hum kya jante hain? Chaliye, we want a good plane, that's all. Yes, phir keh raha hu, hamesha hamari koshish rahi hai freedom of press and respecting the sentiment about Gandhiji. Ye dono baatein hamesha kahi. Do you want the center to ban it? Yes. Huh? That I have not suggested. Yes. भारत की ओर, पार्टी की ओर से, हम सबों की ओर से, आप सबों की ओर से भारत के सारी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो विश्व विजयी बने, बिल्कुल ये शुभकामनाएं। थैंक यू।